हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। पिछले सेशन में हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था और मैंने बोला था कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा सा करंट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का डायल कैसा होता है देखिए, ये है और यहाँ पर पॉइंटर रहता है, ठीक है। यहाँ पर 0, फिर 1, 2 ऐसा कैलिब्रेशन दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा दिया होता है, ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का डायल, ठीक है। जबकि अगर एमीटर का डायल देखोगे अगर आप, तो एमीटर का डायल कुछ इस तरह होता है, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर ऐसे शुरू होता है, ठीक है। और ये किसका डायल है? गैल्वेनोमीटर का। ये डायल है या तो एमीटर का, ठीक है। एमीटर, एमीटर का मतलब एम्पियर मीटर, एम्पियर, एम्पियर मतलब कि करंट, ठीक है। ये डायल किसका हो सकता है? एमीटर का या तो वोल्ट मीटर का। बच्चों, यहाँ पर दोनों साइड होने का मतलब है कि ये डिफ्लेक्शन या तो इस साइड बोलेगा या इस साइड बोलेगा। हमने नहीं देखा था कि वो कॉइल थी कि नहीं, वो उस कोर कोर ऐसा था, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसी वाइंड की हुई कॉइल थी। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो सोचो कि डायल इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको टॉर्क भी कुछ इधर लगेगा, ऐसा सोचो अगर ये रोटेट ऐसे करने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स डायल विल शो दिस डायरेक्शन। तो अगर स्पेशली हमें अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, करंट की डायरेक्शन किस तरह जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं, तो हम किसका यूज करते थे? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। जो हमने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में भी हमने देखा था, वहां पर हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते थे ना, ठीक है। और हम अगर करंट मेजर करना चाहते हैं, स्पेशली करंट मेजर करना चाहते हैं या वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे एमीटर का। किसका यूज करेंगे बच्चों? एमीटर का, ठीक है। और अगर वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, सॉरी, करंट अगर मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर का, और अगर वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे वोल्ट मीटर का। किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये जो हमारा टॉपिक है उसका डिस्कशन, ठीक है। ये लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा, पहला देखिए, सॉरी, कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। वी आर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है। ओके, मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग टू मेजर अ करंट। सो सी हियर केयरफुली, इट्स वेरी सिंपल। सपोज देयर इज वन रेजिस्टर, ओके, एंड दिस इज अ बैटरी हैविंग वोल्टेज वी एंड सर्किट कनेक्टेड लाइक दिस। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज अ आर एंड करंट फ्लोइंग इज अ आई, ओके। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू व्हाट? I is equals to V upon R. I will say it is a real current. What is this? Real current. I is equals to V upon R. And this much value we want to measure. Okay. So, let me draw one more circuit. This is a resistance R. And I am connecting galvanometer in series. Because I know that in series combination, current is the same. That's why. Okay, so then the voltage is the V. What happens here? Current I will not flow, it is a current I dash will flow. Why? Because here galvanometer's resistance of the galvanometer is a G, get added to the resistor. Therefore, what is I dash? I dash is equals to V upon R equivalent, which is V upon R plus G, resistance of this resistor and resistance of the galvanometer. I dash is equal to V upon RG,
एंड दिस विल बी द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड सॉरी दिस विल बी मेजर्ड करंट, लेट मी से लाइक दिस ओके, बट दिस आई डैश इज नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, और ये इक्वल नहीं है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट आई डैश इज अ लेस देन आई, वी वांट आई, वी डज नॉट वांट आई डैश ओके. सो सपोज वी कंपेयर देयर इक्वेशन, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, एंड व्हाट इज आई डैश, इट इज अ वी अपॉन आर प्लस जी. सो व्हाट इज द डिफरेंस, इन द सेकंड इक्वेशन वी आर ऑब्जर्विंग दिस जी ओके. सो आई डैश कैन बी equal to I if G is very very small. Getting this one? If this G value is very small, then you can say I dash can be equals to I. Okay. So what is our task? Our task is to minimize, our task is to minimize resistance of galvanometer, resistance of galvanometer okay, and what trick we are going to use, connect very small resistance in parallel with galvanometer coil. Why? Because we know that if we connect resistors are in the parallel, then equivalent resistor will be smaller than the smallest. This small resistance which we are connecting in the parallel is nothing but shunt. What is it? Shunt. Its resistance should be very very small. Okay, I am giving its symbol as a S. So circuit will look like this. See carefully. This is a galvanometer coil. Okay. And this is a shunt. Okay, fine, clear. Now let's say that current I is flowing. Okay, how much current is flowing? I. You should not get confused here. Current I is flowing. Okay, and I am zooming this. So if you zoom it, you will find two branches, one is a galvanometer coil and one is a shunt, like this. Okay, so what happens, this I is flowing here and some current flowing to the galvanometer, which is IG, and the rest current I minus IG will flow through the shunt. Fine. So I am drawing this circuit. So the current flowing through the galvanometer will be IG, okay, and the rest current, which is I minus IG, that much current will flow through the shunt and they will get added here and the current flow will be I. Now you can see the galvanometer and the shunt both are connected in the parallel, okay, that's why what you can say that voltage across galvanometer is equals to voltage across shunt, can we say, because they are connected in the parallel. And what is the voltage across galvanometer? That will be G into IG. G into IG. So see, you know that V is equals to IR, Ohm's law, right? So what is voltage? Voltage is equal to current flowing into resistance. What is the resistance? G. So G into IG. And here, what will be the resistance? S. And what is the current? I minus IG. So what will be the value of shunt? Shunt S is equals to GIG upon I minus IG.
दिस मच वैल्यू ऑप्शन दैट वी हैव टू कनेक्टेड इन द पैरेलल. ओके फ्रेंड्स, दिस वैल्यू इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑलवेज. ऐसा पूछा जाता है कन्वर्ट करो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ठीक है, जो इतना करंट मेजर कर सके. तो एस और आई ये दोनों आपको दिए हुए होते हैं, सॉरी एस नहीं, ये जो आई और जी आपको दिए होते हैं, आई जी भी आपको दिया हुआ होता है, तो इजीली आप एस को सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया जिसकी वजह से आर इफेक्टिव कितना आएगा. तो शंट और जी दोनों पैरेलल में है, दैट्स व्हाई एस इंटू जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, एंड आर इफेक्टिव विल बी इवन लेस देन द शंट. ठीक है, शंट जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल मतलब कि अगर आपको कोई पूछे कि जब गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तब रेजिस्टेंस उसका कैसा होना चाहिए, तो बहुत स्मॉल होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियली जीरो तो पॉसिबल नहीं है, बहुत स्मॉल होना चाहिए. उसके लिए हमें कैसा वायर यूज करना चाहिए बच्चों? तो उसके लिए हमें थिक एंड शॉर्ट ऐसा वायर यूज करना चाहिए. कैसा वायर? थिक एंड शॉर्ट. ये कैसे पता चला? तो देखिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया. तो रेजिस्टेंस को अगर हमें कम करना है तो लेंथ को हमें बहुत ज्यादा कम करना होगा और एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देना होगा, मतलब कि ऐसा वायर, ठीक है, जिसका एरिया बहुत ज्यादा है और लेंथ बहुत कम है, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस भी बहुत कम होगा. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए, अब करंट का जो मेजर्ड वैल्यू का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव. अब ये आर इफेक्टिव तो बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये आई डैश है, तो ये नियरली इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर. समझ में आया? और आप इजीली करंट मेजर कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड वन, गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर. गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे? वोल्ट मीटर में. ठीक है, ओके. सो लेट्स मी ड्रॉ द सर्किट अगेन. This is the resistance R and here is the battery connected with the resistance R having voltage V. So how much current is flowing? Sorry. Current flowing is the I. I current is flowing. Clear? Therefore, voltage across R, वोल्टेज अक्रॉस R, ये जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा? इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर. क्लियर? कब? बिफोर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर. ओके, सो नाउ लेट्स कनेक्ट गैल्वेनोमीटर. How we will connect? Listen carefully. We are right now interested in measuring voltage. Okay. So, voltage is same in parallel connection. So, I will connect galvanometer in parallel connection. Okay. And this is a resistance R. Clear? Okay. Suppose this current is a I. Okay. And suppose here current flowing is the IG. So here current will flow I minus IG. I minus IG. Suppose we think like that, that IG is very small. Okay. So IG current flow will like that and I minus IG flow like this. Okay. Therefore, voltage across resistor R equals to what? It will be
इक्वल टू वी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो आई माइनस आई जी इज फ्लोइंग, सो आई माइनस आई जी इंटू आर. ओके, इट इज नॉट इक्वल टू आई आर, नॉट इक्वल टू आई आर. वी वॉन्ट आई आर बट द रिजल्ट इज द आई माइनस आई जी इंटू आर. क्लियर टू यू? ओके, सो टू गेट करेक्ट वैल्यू, टू गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ऑफ वोल्टेज आई जी शुड बी, आई जी शुड बी मच स्मॉल, आई जी शुड बी मच स्मॉल. नाउ हाउ टू मेक आई जी मच स्मॉल? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी वेरी हाई बिकॉज वी नो द ओम्स लॉ दैट इफ रेजिस्टेंस इज हाई देन करंट विल बी स्मॉल. इन द प्रीवियस सेक्शन व्हेन वी आर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इन द एमीटर, एट दैट टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इट शुड बी वेरी लो एंड हियर इट शुड बी वेरी हाई इन द वोल्टमीटर. सो व्हाट इज द ट्रिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टास्क? टास्क इज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट? एंड व्हाट इज द ट्रिक? कनेक्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, सो लेट्स कनेक्ट इट. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर एंड आई एम कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, सपोज दिस पॉइंट इज अ ए एंड दिस पॉइंट इज द बी एंड दिस इज अ आर एस दैट आई एम कनेक्टिंग. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? आई जी, आई जी. ओके, एंड ए एंड बी पॉइंट्स आर दिस वन, दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी एंड हाउ मच वोल्टेज वी वॉन्ट? वी वॉन्ट वी. ओके, therefore see va minus gig minus rsig minus v sorry is equal to vb. Let me do like this. Okay, how I got this? Apply kvl, Kirchhoff's voltage law. Okay, so now VA minus VB is equals to what? Is equals to if you make IG common then it will be G plus RS, fine. And what is VA minus VB? V. Therefore V equals to IG into G plus RS. Okay, so V upon IG, V upon IG is equals to G plus RS and therefore V upon IG minus G is equals to RS. So this much value of series resistance we have to connect. Clear? Okay, you should not get problem in this, that V upon IG minus G. And if we make R effective will be is equals to what? Galvanometer resistance plus series resistance. And as you know that this series resistance is very large. Okay, therefore R effective, and again R effective will be greater than RS. Why? Because it is the series combination. And series it should be also very large. And what should be the characteristic of that wire that we are connected in the series? It should be thin and long. I think now you got it, that R proportional to L by A. If
यू वॉन्ट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ एंड यू हैव टू डिक्रीज द एरिया. सो दिस टाइप ऑफ वायर इट इज थिन एज वेल एज अ लॉन्ग. ओके सो बिकॉज आर इफेक्टिव इज मच हायर सो आई जी विल बी मच लेस आई जी विल बी मच लेस एंड बिकॉज द आई जी इज वेरी लेस ओके we want see what was the v dash that was the I minus ig into r but ig is very less therefore it will be nearly equal to I and we will achieve our result. Clear to you? So in this way you can convert galvanometer into voltmeter as well as galvanometer into emitter. One thing I want to say is that suppose there are n divisions in galvanometer. Okay, and suppose there are n divisions in galvanometer and one division shows current I. How much current? I. Therefore, total current or maximum current. Total current or maximum current, which is a IG. You can say as a N into I. What you can say as a N into I. It's very simple. See, here. Suppose this is a 1, 2, 3. Here, for the, and here suppose it is a 0. Okay. For this much deflection, suppose 2 milliampere. Then, for this much deflection, how much milliampere? 4 milliampere. And suppose there are n divisions are there. Then, n into 2 milliampere. Fine. So, now, this 2 milliampere is nothing but small I. Okay, so what we got? Ni, and it will be Ig. You can say it as a current capacity of galvanometer also. Current capacity of galvanometer also. Okay, many time this theory is asked or sometime the example based on this is also asked that convert galvanometer in the voltmeter or convert galvanometer in the ammeter if we want that galvanometer should measure this much current or this much voltage. Okay, is that clear to you? And that type of example that we will include with the exercise solution. Okay, and today we will discuss up to this much only. Okay, thank you and namaskar.